शून्य से यस लॉर्ड यस प्रभु यस प्रभु जी रच लिया अपने ही यस प्रभु प्रेम किया है अनंत प्रेम से यस दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए अनोखा प्यार है तेरा करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा हालेलुया उसे बताइए है तेरा करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा जग में यस लॉर्ड छोड़कर यस प्रभु मेरा सारा दंड सह लिया उसने जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर धरती पर आकर आपका मेरा सारा दंड सह लिया उसने कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु मुझको चंगाई चंगाई दी है कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने हालेलुया मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है अनोखा प्यार है तेरा करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अन्न वस्त्र और सभी आशीष यस लॉर्ड दी मुझे उसने भरपूरी से अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से खतरों yes, Lord. और सब मुसीबतों yes, प्रभु आग की पुतली जैसे संभाला मुझे खतरों और सब मुसीबतों में yes, आग की पुतली जैसे संभाला मुझे अनोखा प्यार है तेरा करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा धन्यवाद दीजिए प्यार है तेरा करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा स्तुति करूंगा तेरी आराधना करूंगा क्योंकि मैं तेरे प्यार को जान गया हूँ धन्यवाद पिता धन्यवाद तेरा प्यार अनोखा है परमेश्वर तेरी कृपा अनोखी है यस लॉर्ड मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे पवित्र समर्पण मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर तूने अब तक संभाला परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर तूने आशीषों के झरोखे खोल दिए तूने बरकत की बारिश दी है धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद परमेश्वर भाई हर भाई बहन के लिए देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ परमेश्वर कृपा मांगता हूँ परमेश्वर परमेश्वर चालो पिता चंगाई का दाता है तू परमेश्वर उद्धार करता है तू परमेश्वर चालो पिता दया करती है भर दीजिए अपनी झोली से सबकी झोली भर देने वाला है तू धन्यवाद 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 ऊंचा उठाइए Yes,
सुख मांगता परमेश्वर, चंगाई मांगता परमेश्वर, तेरी शांति बनी रहे, तेरा आनंद हम में बना रहे परमेश्वर, बुद्धि खोल परमेश्वर ताकि तेरे वचन समझ में आए, तेरे वचन जो परमेश्वर तूने दिए हैं अपनी आत्मा के द्वारा, वो वचनों को हम समझ सके और अपने जीवन को परमेश्वर तेरे योग्य बना सके परमेश्वर। आई हुए हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की, हम सब कहेंगे आमीन। जोर से तालियां बजाइए। पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए कोई बोलेगा हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलिए, जोर से, जोर से, जोर से हालेलुया। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हमें सिखाया कि इस धरती पर हमें कैसे रहना है, तूने हमें बताया कि हमें किस तरीके से अपने जीवन में चलना है, हमें कैसी चाल चलनी है परमेश्वर। यस लॉर्ड, तू महान है पिता परमेश्वर। महसूस करते हैं हम परमेश्वर, जब तेरा नाम लेते हैं हम महसूस करते हैं कि तू हमारे साथ है, हमारे साथ चल रहा है परमेश्वर। यस लॉर्ड, हमारे निगरानी कर रहा है परमेश्वर। यस लॉर्ड, तू हमारा चरवाह है। यस लॉर्ड, हम तेरी भेड़े हैं, हम तेरी भेड़े हैं। बोलिए ऊंची आवाज करके, हम उसकी भेड़े हैं, हम उसकी भेड़े हैं, हम यीशु के भेड़े हैं, हम यीशु के भेड़े हैं, और वो हमारा चरवाह है, तू हमारा चरवाह है। यस लॉर्ड, मेरे भाई मेरी बहन, आपका अंगीकार आपको आशीष देगा। महसूस करिए उसकी उपस्थिति को, महसूस करिए, वो आपका जीवन बदल देगा, वो आपके सोचने की शक्ति को बदल देगा, वो आपका नजरिया बदल देगा, वो आपके अंदर पवित्रता का आशीष लेकर आएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज की सुबह अद्भुत है, आज का पल अद्भुत है, जब हम मिलकर उसकी स्तुति करने वाले हैं, हम मिलकर उसे बताने वाले हैं एक मन एक दृष्टिकोण के साथ कि तू भला है, तेरी भलाई सदा की है। हालेलुया लॉर्ड, यस लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बैठिए 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 बैठिए। धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत भले हैं। हालेलुया, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। यस लॉर्ड, धन्यवाद। हालेलुया, कितने लोग आज की सुबह उसके प्यार को महसूस कर रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, मैं सच कह रहा हूं, हमारा पिता बहुत अच्छा है, वो मांगने से पहले हमें देता है। आप के अंदर वो विचार नहीं आएगा, उस विचार को वो जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो जानता है कि आप किस तरीके से, किस दौर से गुजर रहे हैं, वो जानता है कि आपके अंदर आपको कौन सी तकलीफें हैं, कौन से खतरे हैं, वो जानता है मेरे भाई, वो जानता है, वो सब कुछ जानता है, वो परवरदिगार है, वो रचयिता है, वो सब कुछ जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो सिर्फ एक चीज चाहता है कि मेरा बच्चा मेरा हाथ थाम के मेरे साथ चले, मेरा बच्चा जिसका मैंने हाथ थामा है वो मेरे साथ चले, कदम दर कदम बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड, जब हम उसके अनुसार, उसके वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार, उसकी दया के अनुसार, उसके अनुग्रह के अनुसार जब हम अपना कदम बढ़ाते हैं, मैं सच कह रहा हूं, आप विश्वास करिए वो आपके साथ रहता है, वो रचयिता आपके साथ रहता है, वो सर्वशक्तिमान आपके साथ रहता है। उसको पता है कि आप कितने कमजोर हैं, उसको पता है कि आपका मन हमें भी संसार में है, लेकिन फिर भी उसकी दया सदा की है।
फिर भी उसकी दया सदा की है। हम भटक जाते हैं, हम चले जाते हैं बाहर, फिर भी उसकी दया सदा की है। आमीन। मैं धन्यवाद देता हूं, आज का दिन बहुत अच्छा है, प्रभु महान है, हालेलुया, कि हमें एक साथ फिर परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और कहां पर? उसके कलीसिया में, उसके घर में। हम कौन हैं? उसकी देह के अंग हैं, ये कभी मत भूलिए, हम उसके अंग हैं, हम उसके अंग हैं। घमंड करिए कि हम उसके अंग हैं, और प्रार्थना करिए कि हम उसके संग जुड़े रहें, हम उसके संग जुड़े रहें। जैसे दाखलता में अगर डाली जुड़ी रहेगी तो आशीष पाएगी, तभी फलवंत होगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरी बहन, अगर आप प्रभु से अलग हो गए, अगर आप प्रभु से दूर हो गए, अगर आपकी डाली कमजोर हो गई, प्रार्थना करिए कि ऐसा वक्त कभी ना आए, प्रार्थना करिए कि ऐसी सोच कभी ना आए, प्रार्थना करिए कि ऐसी कठोरता कभी ना आए कि मैं अपने पिता से दूर हो जाऊं। कोई भी चीज संसार में इतनी कीमती नहीं है जो मुझे मेरे पिता से दूर कर सके, कुछ भी नहीं है संसार में ऐसा जो मुझे पिता से दूर कर सके, मेरे यीशु से दूर कर सके। नहीं, मेरा यीशु सब कुछ है, मेरा यीशु है तो मैं हूं, अगर मेरा यीशु नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर यीशु नहीं है तो आपका अस्तित्व कुछ नहीं है, अगर यीशु नहीं है तो आपका धंधा कुछ नहीं है, आपकी नौकरी कुछ नहीं है, अगर यीशु कुछ नहीं है तो आपके लिए। इसलिए यीशु हमारे लिए सर्वस्व है, यीशु हमारे लिए जीवन है, यीशु हमारे लिए ज्योति है, यीशु जिसने अपना बलिदान दिया, जिसने अपना बलिदान दिया, वो पाप नहीं था लेकिन उसको पापी ठहराया परमेश्वर ने, किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम शुद्ध हो सकें, ताकि हम पवित्रता के साथ रह सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी पवित्रता परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है, उसने आपको चुना और आपको पवित्र किया। उस पवित्रता की कीमत क्या है आपको समझनी है, ताकि मेरे अंदर से मेरी पवित्रता दूर ना हो, उसकी दी हुई पवित्रता दूर ना हो, उसकी धार्मिकता दूर ना हो। मेरी पहचान, मेरी पहचान कौन है? मेरी पवित्रता। अगर मेरे अंदर पवित्रता नहीं है तो मेरी पहचान चली गई। आज मैं आपको यही बताऊंगा, परमेश्वर बहुत प्यार करता है आपसे, बहुत प्यार करता है, हमें बस उसको समझना है। शैतान नहीं चाहता कि हम उसके प्यार को समझें, इसलिए शैतान हमारे मन में संसार का प्रेम लेकर आता है, लेकिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है संसार का प्रेम उस प्रेम के सामने। यीशु क्या कहता है? यूहन्ना 14:27 कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, संसार जैसी नहीं, अपनी शांति, वो शांति जिसमें सामर्थ होगा, वो शांति जिसमें अभिषेक होगा, वो शांति जिसमें धार्मिकता होगी, वो शांति जिसमें यीशु होगा, वो शांति जिसमें उसका सामर्थ होगा, उसके वचन होंगे, उसकी ज्योति होगी, उसका आनंद होगा। वो शांति यीशु ने हमें दी है। आपके पास है? कितनों के पास वो शांति है? कितनों के पास वो शांति है? याद रखिए मेरी बहन, मेरे भाई, अपनी शांति को बना के रखिए जो परमेश्वर ने आपको दी है, जो यीशु मसीह ने आपको दी है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम यहोशू के जीवन से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ, बहुत कुछ।
आपके पास कॉपी किताब है, लिखना शुरू करिए। और मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे चर्च में आप बिना कॉपी के मत आइएगा। आपके पास कॉपी के लिए होना चाहिए, लिखने के लिए साधन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कागज पे नहीं, कॉपी पर। वो कॉपी अपने लिए बना लीजिए, चर्च की है, और तय करिए अपने आप से कि आपको उसको रोज देखना है कि कौन से वचन सुनाए गए, कौन से वचन लिखे गए। ये आपका भोजन है जो मैं आपको रोज देता हूं। ये भोजन शरीर के भोजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉपी बना लीजिए। 10 रुपए की, 20 रुपए की कॉपी आती है, नहीं पैसे मुझसे लीजिए पैसे आप, उसका टाइटल लिखिए। कलीसिया में बताए गए वचन, कलीसिया में सिखाए गए वचन, पवित्र शास्त्र के वचन, मनन करने के लिए वचन। समय निकालिए अपना, तभी ये वचन आपके जीवन में काम करेंगे, तभी आप परमेश्वर के प्रकाशन को समझेंगे, तभी आप उसकी देह को समझेंगे, तभी आप उसके अभिषेक को समझेंगे, तभी आप उसकी योजनाओं को जानेंगे, तब आप जानेंगे। और फिर जब आप मांगेंगे तो एक अजीब आश्चर्य आप अपने जीवन में, एक अजीब सुकून, एक अद्भुत शांति आपको महसूस होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसराइलियों को परमेश्वर ने कह दिया था कि मैंने कनान देश तुम्हें दे दिया है। आप सब जानते हैं कि मिस्र से किस तरीके से इसराइलियों को परमेश्वर लेकर आया। मूसा के बाद यहोशू चुना गया, जो मूसा का सेवक था, मूसा का चेला था, परमेश्वर ने उसको चुना। और परमेश्वर ने क्या कहा कि व्यवस्था की ये पुस्तक, यहोशू 1:8, यहोशू 1:8, व्यवस्था की वो पुस्तक तेरे चित्त से कभी अलग ना होने पाए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप इसको समझिए। एक एक वचन को आज मैं आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप उस वचन की अहमियत को समझें। क्या लिखा हुआ है? व्यवस्था यहोशू 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से। आपका चित्त क्या है? मन से रिलेटेड आपका चित्त है। आपका मन आपके चित्त को डिस्टर्ब कर देता है। आपके चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात अध्ययन किया कर। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Praise the Lord। उसे लिखा है यहोशू, खाने पीने के लिए धंधा भी किया कर, जा नौकरी भी कर लिया कर, जहां से तुझे रोटी मिलेगी। लिखा है, हेलो, दिन रात। क्या लिखा है? इसी में दिन रात ध्यान दे, और कहीं ध्यान मत दे। क्या उसको नहीं पता आपको भूख लगती है? क्या उसको नहीं पता आपके बच्चे हैं? उसको नहीं पता, आप उससे ज्यादा जानते हैं। क्यों कह रहा है वो? क्योंकि मेरी बहन, इस वचन का प्रकाशन क्या है कि जब मैं दिन रात उसके वचन पर मनन करूंगा और उसके अनुसार चलूंगा तो मैं सफल होऊंगा। हर आदमी सक्सेस होना चाहता है। कोई है जो सक्सेस होना नहीं चाहता? हर आदमी सफल होना चाहता है, चाहे वो धंधे में, चाहे उसके बिजनेस में, चाहे उसके नौकरी में। हर आदमी चाहता है सफल हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां सफलता का एक आपको मैं कोण दे रहा हूं, एक बीज दे रहा हूं, सफलता का बीज, सफलता का बीज।
दिन रात उसी पे ध्यान दे, उसी वचनों को मनन कर। क्यों? क्योंकि ये वचन तुझे बताएंगे कि तुझे इस धरती पर जीना कैसे है, कैसे काम करना है। हालेलुया। यहोशू के सामने एक समस्या है कि उसे अब यरीहो देश जो है वो जीतना है। यरीहो, अगर आप यरीहो के बारे में जानते हैं तो आप ये समझ लीजिए, इतिहास आपने पढ़ा तो यरीहो देश के चारों तरफ इतनी मोटी दीवार थी जिसपे रथ भागते थे, रथ घुड़सवारी के रथ भागते थे, इतनी ऊंची और इतनी चौड़ी दीवार थी और उसके रहने वाले सब उसके अंदर थे, राजा उसके अंदर था और पूरा जो नगर था वो उस दीवार से ढका हुआ था। उस दीवार के चारों तरफ, दीवार के अंदर वो नगर था, इतनी सुरक्षा में रहता था। और यहोशू को परमेश्वर ने कह दिया था कि ये नगर अब मैं तुझे देने पर हूं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इससे पहले परमेश्वर ने एक चेतावनी भेजी, स्वर्ग से इशू आया। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे 5:14-15, देखिए कोई भी काम करने के लिए हमें जरूरी है कि हम उस नियम को अपना लें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। कोई भी काम, आप धंधा करते हैं, आप नौकरी करते हैं, हर एक का एक नियम होता है। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं और कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाने का अलग नियम है, कार चलाने का अलग नियम है। मोटरसाइकिल के नियम को अगर आप कार के नियम में यूज करेंगे तो कार चलेगी आपकी? नहीं चलेगी। इसलिए नियम होता है, परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर का काम करने के लिए नियम है। कैसे हमें परमेश्वर का काम करना है, कैसे हमें चर्च आना है, कैसे हमें मसीह के जीवन जीना है, ये उसका नियम है। अगर हम उसके अनुसार नहीं जिएंगे, मेरे भाई मेरी बहन, आप उस आशीष को, उस अभिषेक को जो परमेश्वर देता है उसको आप महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही आप पा पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर यहोशू चाहता है कि वो यरीहो देश को जीत ले। हालेलुया। लेकिन उससे पहले एक स्वर्गदूत आया जो कि कहता है कि मैं सेना अध्यक्ष हूं, स्वर्ग का, यहोवा का सेना अध्यक्ष हूं। यानी कि यीशु धरती पर आया और यहोशू से मिलता है। पढ़िए 5:14-15। तब उसने उत्तर दिया, हाँ, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिर कर दंडवत किया, हाँ, और उससे कहा, हाँ, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? आमेन। क्या आज्ञा है, मैं कैसे चलूं? यहोशू के पास इतनी सेना, 25,00,000 लोग, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके साथ है कि तू वचनों पे चलेगा, जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा मैं तेरे साथ रहूंगा, हमेशा तेरे साथ रहूंगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर का सेना अध्यक्ष आता है, वो स्वर्गदूत आता है यीशु के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में वो सामने आता है और कहता है, और यीशु कहता है, यहोशू कहता है, बता। उसके उसके चरणों में लौट जाता है, मुंह के बल दंडवत होकर कहता है, बता मैं क्या करूं। आमेन। हम कोई भी काम शुरू करने से पहले प्रार्थना करें कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। ये एक मसीहत के लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी काम करने से पहले पूछें परमेश्वर से कि मैं कैसे चलूं। मुझे तूने टांगे दी हैं, मुझे तूने हाथ दिया है, मुझे दिमाग दिया है, मुझे सब कुछ दिए, आंखें दी हैं, कान दिया, सब कुछ दिया है, लेकिन पिता परमेश्वर, जबकि आज का दिन है और मैं घर से बाहर निकल रहा हूं अपने धंधे के लिए, अपनी नौकरी के लिए, तो पिता परमेश्वर मैं तेरे सामने नतमस्तक होता हूं और पूछता हूं कि आज का दिन मैं कैसे बिताऊं, कैसे चलूं, आज्ञा दे मुझे, बता। प्रेज द लॉर्ड। नहीं करते बहुत से दिन, बहुत से लोग कहते, कल तो हम गए थे चर्च, आज सुबह उठे, प्रार्थना भी की, चलो दरवाजा खोला, बैग उठाया, निकल गए। सबसे बड़ी गलती करते हैं आप, घर से निकलने से पहले उससे पूछिए
उसको बताइए, अपने आप को समर्पित करिए, जैसा यहोशू ने क्या किया कि जैसे तू खड़ा है वो। हाँ आगे पंद्रहवा, यहोवा की सेना के प्रधान ने, अब वो बताता है कि तुझे क्या करना है, ध्यान दीजिए, हालेलुया, यहोशू से कहा, हाँ, अपनी जूती पांव से उतार डाल। हाँ, संसार का उतार, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। Amen. परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है, बोले परमेश्वर ने मुझे पवित्र बनाया है, परमेश्वर ने मुझे। बहुत आप हल्के बोल रहे हैं, परमेश्वर ने क्या बनाया आपको, आप कौन है, प्रेज द लॉर्ड, मैं पवित्र हूं। आपको पता है आपको क्रूस से क्या मिला है, परमेश्वर की धार्मिकता, और उस धार्मिकता का आधार क्या है, पवित्रता। कैसे, जब आपने पश्चाताप किया, जब आपने कहा पिता मुझे माफ कर मैंने गलती की है, जब आपने अपना मन फिराया, परमेश्वर ने आपके पापों को आपसे दूर किया, परमेश्वर ने आपके पापों को ढांप दिया, आपसे हाथ मिलाया और मेल मिलाप की सेविकाई दी, प्रेज द लॉर्ड, और परमेश्वर ने आपको पवित्र किया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यहोशू को क्यों विजयी हुआ यहोशू, क्योंकि उसने उस पवित्रता को ढामा। जो पवित्रता हमें क्रूस से मिली है, जो पवित्रता हमें यीशु से मिली है, उस पवित्रता को हमें हमेशा सोते जागते बैठते उठते उस पवित्रता को हमेशा हमें अपने साथ रखना है। वही हमारी शक्ति है, वही हमारा सामर्थ्य है, वही हमारा अभिषेक है। वो पवित्रता, ये स्थान जिस स्थान पर तू बैठा है पवित्र है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कोई भी बात तेरे मन में ऐसी ना आए जो तुझे अपवित्र करे। दूसरा कुरिन्थियन 10:5 क्या कहता है कि परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाले हर विचार, हर कल्पनाओं को मैं खंडन करता हूं और यीशु मसीह का गुलाम बना देता हूं। प्रेज द लॉर्ड, क्यों, क्योंकि परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो विचार उठ रहे हैं वो मुझे अपवित्र करने वाले हैं, वो मुझे अपवित्र करना चाहते हैं, इसलिए मैं उनका खंडन करता हूं। इसलिए आपको खंडन करना है गलत विचारों का, जो भी आपके दिमाग में गलत विचार शैतान डाल रहा है परमेश्वर के वचन के खिलाफ, हट, निकालना उसको अपने अंदर से, नहीं निकालना है। क्यों, क्योंकि मैं पवित्र हूं, मुझे परमेश्वर ने पवित्र किया है अपने लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा मैं पवित्र किया जा चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड, वो क्या कहता है, खंडन करता कि मैं तुझ, ये स्थान पवित्र है। आगे 15 द्वारा पढ़िए, यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, हाँ, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। आमीन, तू पवित्र है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहता हूं इस पवित्रता के वचन को, इस सामर्थ को आप समझें। इतना बड़ा दान परमेश्वर ने आपको दिया है, मैं पवित्र हूं, आपको पवित्र कर दिया है, प्रेज द लॉर्ड। यहोशू को पवित्र किया और उससे बोला कि यह स्थान पवित्र है, प्रेज द लॉर्ड, और उससे कहा तो अब जाओ, अब जो मेरा प्लानिंग है, अब जो मेरी योजनाएं हैं उसके अनुसार तुम यरीहो को जीतने के लिए निकलो, प्रेज द लॉर्ड। जब आप पवित्र होंगे मेरे भाई, जब अपनी पवित्रता को आप अपने अंदर रखेंगे, तब आपको परमेश्वर की योजनाएं समझ में आएंगी, तब आप परमेश्वर की योजनाओं को समझ पाएंगे, तब आप परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे, तब आप परमेश्वर के प्रकाशन को समझ पाएंगे, तब आप परमेश्वर की उपस्थिति को समझ पाएंगे, तब आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम करना चाहता है। आमीन। इसलिए वो कहता है कि अपने आप को पवित्र कर। जब मूसा मोरे पर्वत पर था और जब मूसा उस झाड़ी को देख रहा था, जलती हुई झाड़ी को देख रहा था, आश्चर्यचकित हो गया, कह रहे झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही,
और वो देखने के लिए आगे बढ़ा और वहां से आवाज आई, मूसा मूसा, तू जिस स्थान पे खड़ा है वो पवित्र है, अपनी जूतियां उतार। एक मसीह का, एक विश्वासी का पहला सबक हमारे जीवन का क्या है कि हम जो भी काम करें उसका आधार पवित्र होना चाहिए। आपके धंधे का आधार पवित्र होना चाहिए। धंधा करिए आप, अपवित्रता नहीं आनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है, ना? नहीं कमाऊंगा नहीं चलेगा। किसी को फंसाना नहीं है, झूठ बोलकर किसी को फंसाकर 2000 की चीज 10,000 में दे दी, नहीं। मेरे धंधे का आधार पवित्र होना चाहिए, मेरी नौकरी का आधार पवित्र होना चाहिए, मेरे जीवन का आधार पवित्र होना चाहिए। और जब आपके जीवन का, आपके धंधे का, आपकी नौकरी का, आपके घर का आधार पवित्र होगा, मैं सच कह रहा हूं परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में होगा। मत घबराइए कि संसार का कोई बॉस, कोई आदमी आपका धंधा चला रहा है, आपकी नौकरी चला रहा है, नहीं। मुझे वह नौकरी नहीं चाहिए, मुझे वह धंधा नहीं चाहिए जो मुझे अपवित्र कर दे, मुझे वो रिश्ता नहीं चाहिए जो मुझे अपवित्र कर दे। मेरी पवित्रता परमेश्वर के ऊपर से, स्वर्ग से उतरी है और यहां पर मुझे मिली है। मैं उस पवित्रता को नहीं खाऊंगा, उस पवित्रता को मैं अपने अंदर से जाने नहीं दूंगा, उस पवित्रता को मैं अपने मन में बसाऊंगा, अपने दिमाग में बसाऊंगा। मेरे मुंह से कुछ भी शब्द निकलेगा उसका आधार पवित्र होगा, मेरा कोई भी काम मेरे जीवन में होगा उसका आधार पवित्र होगा। जिस दिन हम ये सोचकर अपने जीवन से में काम करने के लिए निकलेंगे मेरे भाई, कठिनाइयां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी। शैतान आपके सामने ऐसे लेकर आएगा, ऐसे मौके आएंगे जिसमें आपको झूठ बोलना पड़ेगा, जिसमें आपको धोखा देना पड़ेगा और सामने आपके बहुत बड़ा फायदा होगा। करेगा शैतान, और शैतान को अनुमति देगा कौन? परमेश्वर। करो, मैं देखना चाहता हूं कि जो मेरा बेटा है ये कितना पवित्र है, ये जो मेरी बेटी है कितनी पवित्र है, रात दिन बाइबल को उठाए रहती है, कितनी पवित्र है मेरी बेटी। व्यवस्था विवरण 8:2 में क्या कहा? इजरायलियों को जब मिस्र से लेकर आया उस जंगल में, तो उसने कहा Deuteronomy 8:2 कि मैं तो इस जंगल में इसलिए लेकर आया ताकि तू उस रास्ते को याद रखे। जब आप आजमाइश में आ जाएंगे, जब आप आजमाइश में आएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आप हेल्प मांगेंगे तो परमेश्वर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब की पत्री 1:13-14 निकाली जल्दी से, याकूब की पत्री 1:13-14 देखिए। याकूब की पत्री James 1:13-12 जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। आमीन। 14 क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु आगे परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींच कर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। परंतु हर व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींच कर परीक्षा में पड़ता है। आपकी अभिलाषा है कि मेरा धंधा अच्छा हो जाए, मेरा फायदा हो जाए और उस फायदे को मैं किसी भी तरीके से प्राप्त करूं, ये आपकी अभिलाषा है। परमेश्वर तो कहता है तू क्या खाएगा, तू क्या पहनेगा, तू क्या रहेगा, तू कहां रहेगा, इसकी चिंता मत कर, मैं हूं तुझे देने वाला। वो कहता है पूरी बाइबल में उसने कहा है मैं हूं, मांगो तो तुझे दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो दरवाजा खुलेगा, मांगो मैं हूं तुम्हें देने वाला। लेकिन हम अपने मांगने से ज्यादा हम विश्वास नहीं करते, इसलिए अपनी अभिलाषा में खिंचकर शैतान फंदे में पड़ता है।
अपने ही अभिलाषा में, आपकी अभिलाषा कहती है कि नहीं यार ले ले और बना ले बैंक बैलेंस, तेरे 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, ये है, ये खर्चा है, ये खर्चा है, और बना ले और बना ले और बना ले। और जैसे जैसे आप उस तरह उस अभिलाषा से खींचकर फंदे में फंसते जाते हैं, परमेश्वर की शांति निकल जाती है, आपकी पवित्रता जो परमेश्वर ने दी है वो निकल जाती है, कठोरता आपके अंदर आ जाती है, वो पाप जो परमेश्वर ने निकाला था वो फिर आपके अंदर आ जाता है। और कुछ दिनों में आप क्या देखते हैं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक से निकल गया है। तो यहां पर क्या कहता है यहोशू, परमेश्वर क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है, जिस स्थान पे तू खड़ा है वो स्थान पवित्र है, अपनी पवित्रता को बनाए रख। और अब परमेश्वर बताता है कि यहोशू को यरीहो कैसे जीतना है। पढ़िए बेटा 6:1-10, 1-5। यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। आपको पता है जो आपका दुश्मन है वो आपसे बहुत डरता है, आपका दुश्मन आपसे बहुत डरता है, शैतान बहुत डरता है। यरीहो में रहने वाले जो लोग हैं और यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो जानते हैं कि इजरायली कौन है, यरीहो में रहने वाले उसका राजा जानता था कि इजरायली कौन है, इजरायलियों के संग कौन था, परमेश्वर। 10 विपत्तियां उन्होंने की और किस तरीके से मिस्र से निकाल के लेकर आए इसराइलियों को, लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और किस तरीके से सूखी भूमि पर चलाकर इसराइलियों को लेकर आया, वो यरीहो के लोग जानते थे। इसलिए उन्होंने इतनी चौड़ी दीवार बना ली, इतनी मजबूत दीवार बना ली कि नहीं, इस दीवार के सामने कोई नहीं आ सकता, इस दीवार को तोड़कर कोई नहीं आ सकता, इतने डरे हुए थे। वो जानते थे कि इनके संग परमेश्वर है। आप जानते हैं लोग कि आपके संग परमेश्वर है, शैतान जानता है कि आपके संग परमेश्वर है, शैतान जानता है कि आपके आजू बाजू परमेश्वर ने सुरक्षा का बाड़ा बांध रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़िए। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ, इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। हालेलुया, उस नगर को घेर लीजिए और उस नगर को चारों ओर घेर कर घूम आइए। प्रेज द लॉर्ड। कैसे घूमिए, कैसे घूमना है हमको, पवित्रता के साथ। हेलो, क्या देकर गया वो सेनापति, पवित्रता का आशीष। हालेलुया, क्या बोला उसने कि ये स्थान पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्रता की शक्ति लेकर वो उस चारों तरफ, यरीहो के चारों तरफ घूमने लगे। जब पवित्रता की शक्ति आपके साथ होगी, अद्भुत आश्चर्य होगा, असंभव को संभव करेगा परमेश्वर आपके जीवन में। आगे, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना, और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले, और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे, तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहोशू, परमेश्वर क्या कहता है, जब तू मेरे वचन के अनुसार चलेगा, जब तू पवित्रता का आधार लेकर उस नगर के चारों तरफ परिक्रमा करेगा, जय जयकार करेगा, तो जो उसकी दीवार है वो ढह जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी दीवारें आपके जीवन में, मेरे ख्याल रोज एक नई दीवार आपके जीवन में खड़ी होती है, एक रोज नई चट्टान आपके जीवन में खड़ी होती है, एक रोज नया रुकावट लेकर एक समस्या सामने खड़ी हो जाती है,
और रोज एक नया होता है कि अब क्या करें, आज क्या करें, कैसे जिए। हेलो, आता कि नहीं आता ये मन में? हेलो, हाँ के ना? प्रेज द लॉर्ड। क्यों आता है? क्योंकि मेरे भाई आपके जीवन का आधार पवित्रता नहीं है। जिस दिन आपके जीवन का आधार पवित्रता होगी, कोई भी चट्टान आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती है। उसने क्या कहा कि परिक्रमा कर और मेरी जय जयकार कर, परिक्रमा कर और मेरी जय जयकार कर। देखिए यहां पर क्या कहता, छे का दसवां एक चेतावनी देता है, इसी छठे का दसवां। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दू, तब तक जय जयकार न करो। जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दू, तब तक जय जयकार मत करो। और तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, तुम्हारा कोई भी शब्द सुनने ना पाए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या चेतावनी है। जब हम मसीह जीवन जी रहे हैं, हम जानते हैं, इजरायली जानता है कि उसके सामने एक पहाड़ है, उसके सामने एक ऐसी दीवार है जिस दीवार के पार जीत है, जिस दीवार को ढाना है। हालेलुया। और यहां पर यहोशू क्या कहता है, कुछ बात नहीं करना है, अपने मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकालना है, प्रेज द लॉर्ड, जय जयकार भी नहीं करनी है। हेलो, तो क्या करना है, क्या करना है? 35 लाख 25 लाख लोग फिलिपियों 2:2 क्या हमें बताता है कि हमें एक मन एक दृष्टिकोण के संग एक प्रेम के साथ अपने जीवन को बिताना है। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में, आपके घर में आज सफलता क्यों नहीं आ रही है? आपको पता है आपके घर में सफलता क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपके घर में अगर चार लोग हैं तो चारों का जो मन है, एक मन एक दृष्टिकोण के संग नहीं रह रहे हैं आप। एक का कुछ कहता है मन, दूसरे का कुछ कहता है मन, एक यहां जाता है एक वहां जाता है। हेलो, समझ रहे हैं आप? क्यों शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है? क्योंकि आप एक मन एक दृष्टिकोण के सकते हैं। फिलिपियों 2:2, इसके बाद मैं यहीं पर आऊंगा। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। एक ही मनसा, एक ही प्रेम। आपके घर की शक्ति का आधार क्या है? एक मन। सुबह उठिए प्रार्थना के संग, रात को पूरा परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रार्थना करे और सोए, और यीशु मसीह के लहू से अपने घर को बांधे। एक ही मन कि यीशु ही प्रभु है, एक ही प्रेम, एक ही मनसा कि यीशु ही हमारा रक्षक है और कोई दूसरा नहीं है। जिस दिन हमारा पूरा परिवार एक मन एक दृष्टिकोण के संग प्रार्थना करेगा, स्तुति करेगा, बताएगा, शैतान चारों खाने चित्त होकर निकल जाएगा। कुछ नहीं कर सकता आपका शैतान। आपका एक मन नहीं है, आपके परिवार में एक मन नहीं है। वो क्या कह रहा है, कुछ मत बोलो, अपने मन को एकाग्र करो, अपने मन से कुछ बातें मत करो। टहलते टहलते ये ना करो, यार मिस्र में क्या मिलता था यार, अरे यार अभी चलो यहां 7 दिन घूमना है, चलो चलते हैं। और क्या हाल चाल, क्या है, और आज सुबह क्या हुआ, कुछ खाया पिया? नो, हम किस में निकले हैं, एक मिशन में निकले हैं। आप लोग इस समय एक मिशन में है। आपको पता है शैतान 24 घंटे आपकी तरफ आंखें उठाकर देख रहा है, आपके लिए रोज योजनाएं बना रहा है शैतान। आपको नहीं पता मैं और आप डेली उसके निशाने पर हैं। हम लोग मिशन में हैं और शैतान का टारगेट कौन है? मसीह। आप उसका टारगेट हैं, आप जाने ना जाने। अगर आप समझते हैं मैं आंखें बंद कर लूंगा तो रात हो जाएगी, मैं आंखें बंद कर लूंगा तो समस्या मेरे सामने से निकल जाएगी,
नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कहता है? हालेलुया। वो कहता है परंतु यहोशू ने प्रजा को आज्ञा दी कि तुम ना तो जय जयकार करना, ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे, ना तुम्हारे मुंह से उस दिन तक कोई शब्द निकले जब तक मैं तुम्हें कहूं ना कहूं जय जयकार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। 11वां, इस प्रकार उसने यहोवा के संदूक को लेकर नगर की परिक्रमा करवाई और उसके बाद उन्होंने पड़ाव पे लौटकर रात बिताई। एक दिन पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना बोले एक मन होकर। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब चर्च में आते हैं मेरे भाई मेरी बहन, हमारा एक मन होना चाहिए। आज हम यीशु से मिलने जा रहे हैं, आज मैं पिता से मिलने जा रहा हूं, आज वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करेगा, आज जो पासवान वचन देगा वो मेरे लिए होंगे, आज मेरा जीवन बदलेगा, आज जो मुझ में कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, आज मैं परिपक्व हो जाऊंगा, आज मैं परमेश्वर के योग्य बन जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च आने से पहले ये भावना होनी चाहिए आपकी, ये नहीं कि आज जाएंगे हमारी चंगाई दूर हो जाएगी, मेरा धंधा बढ़ जाएगा, आज पास्टर से प्रार्थना कराएंगे। मेरे भाई, हमें परमेश्वर के स्वभाव में आगे बढ़ना है। आप नहीं जानते, आप परमेश्वर की पुत्री हैं, आप पुत्र हैं। हमें अपनी पुत्री और पुत्र के स्वभाव को परमेश्वर के योग्य बनाना है, उसके बाद मांगने की जरूरत नहीं होती है। मांगने की जरूरत नहीं है। मांगता कौन है? जो गैर होता है। मुझे पता मेरे बच्चे के पास चप्पल नहीं है, मुझे पता मेरे बच्चे के पास शर्ट नहीं है। आपको नहीं पता? 2 साल की बच्ची आपसे मांगती है, 6 महीने की बच्ची जो आपकी आपकी गोद में है मांगेगी कि मम्मी मेरे जूते नहीं है, मम्मी मेरे पास फ्रॉक फट रही है, मांगती है 6 महीने की बच्ची? आप देखते हो नहीं, नहीं नहीं यार, मेरी बच्ची रात को सोती है उसको मच्छर काटते, मैं मच्छरदानी ले आऊं, मेरी बेटी अच्छी तरीके से दूध नहीं पी पाती, मैं अच्छी निप्पल लेकर आ जाऊं, वो मांगती है? आपका पिता आपकी मां से ज्यादा आपसे प्यार करता है। आपका जो स्वर्गीय पिता है ना, सर्वशक्तिमान, वो आपकी मां से ज्यादा आपको प्यार करता है, उसे पता है। इसलिए व्यवस्था विवरण 3:4 में क्या लिखा हुआ है कि उनके मोजे नहीं फटे, उसने उसे गोद में बैठा के रखा हुआ था। 40 साल तक इजरायली जब जंगल में रहे तो उनके कपड़े नहीं फटे, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए। हेलो, हम तो पूरी तरीके से प्रभु के हो जाए। मैं आपको सच बता रहा हूं, जिसको समझना समझे, जिसको नहीं समझना ना समझे, लेकिन एक ही है, पूरी तरीके से प्रभु के हो जाओ। अपने लिए मत सोचो, प्रभु के लिए सोचो कि मैं प्रभु के लिए कैसे अपने जीवन को चलाऊं। आप देखिए आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं आप। कल यहां से जाते हुए, कल हमारी बाइबल स्टडी थी, यहां से जाते हुए इन्होंने कहा कैपिटल चलते हैं, ये जो नया मॉल खुला हुआ। मैं ठीक है चलिए। अब वाइफ मेरे साथ थी और वाइफ ने कहा ये ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है ले लीजिए, कैश तो था नहीं मेरे पास और मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा पिता मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने तकरीबन 1,500-2,000 रुपए की शॉपिंग की होगी और कार्ड से मैंने पैसे दिए, उसमें आता ना कार्ड से जब पैसा देते हैं तो मैसेज आता है कि आपके कार्ड से इतना पैसा कटा है,
कटता है ना, तो वो कटा क्या भाई, तकरीबन 2000 रुपया मेरे कार्ड से कट गया क्योंकि मैंने ड्रेस ली। उसके नीचे एक और मैसेज आया हुआ था कि किसी भाई ने 4000 रुपये मुझे भेज दिए। ये है हमारा पिता, उसके बन जाओ। वो आपकी मजबूरी आपसे ज्यादा समझता है, और जो वो कर सकता है ना मेरे भाई आपके लिए, आप नहीं कर सकते। मेरे बेटे के लिए जो वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चे का भविष्य नहीं बना सकता हूं, मेरा पिता मेरे बच्चे का भविष्य बना सकता है। मैं नहीं बना सकता हूं, मैं कौन हूं? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या कहता है यहोशू, इधर उधर की बातें मत करो। जब तुम मिशन में हो, जब तुम युद्ध में हो, इधर उधर की बातें मत करो। कुछ बात अपने मुंह से एलिसी मत निकालो। प्रेज द लॉर्ड। और क्या कहता है उसका सोलवा, 6 का 16। तब सातवीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मेरी तरफ देखिए। हालेलुया, मेरी तरफ देखिए। क्या कहता है वो, जय जयकार करो। और जय जयकार कैसे करो, कि वो मैं युद्ध जीत चुका हूं। आमेन, हालेलुया। अभी तक दीवार गिरी नहीं थी, अभी तक दीवार गिरी नहीं थी, अभी तक युद्ध नहीं जीता था। परमेश्वर कहता है कि मुझे जय जयकार ऐसे करनी है कि मैं युद्ध जीत चुका हूं। जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने नगर तुम्हें दे दिया है। हेलो, आपकी तालियां भी आप समझ नहीं रहे हैं। हेलो, जब भी जय जयकार करो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है। हालेलुया, जय जयकार करो कि परमेश्वर ने स्वर्ग दे दिया है। जय जयकार करो कि मुझे आशीष मिल चुका है। जय जयकार करो कि चट्टान हट चुकी है। जय जयकार करो कि मुसीबतें निकल चुकी हैं। जय जयकार करो। आपके जय जयकार में विश्वास होना चाहिए। आपके जय जयकार में, आपके जय जयकार में एक निष्ठा होनी चाहिए। मैं किसकी जय जयकार कर रहा हूं, किसी आदमी की, अपने दोस्त की, अपने बॉस की, अपने पिता की? हम जब भी कहें अपने मन में कि परमेश्वर तू महान है, तूने हमें दे दिया है, यस, महसूस करिए कि आपको मिल चुका है। क्या लिखता है मरकुस 11 का 24? मरकुस 11 का 24 क्या कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो, विश्वास करो और मान लो, प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। किसके मुख से निकले ये शब्द, किसने कहा था? यीशु ने, यीशु ने कहा। उसके मुख से निकले शब्द, उसके मुख से निकला है जीवन, उसके मुख से निकला है ज्योति, वही सत्य है। और वो कहता है कि जब तुम मांगो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है और तुम्हें मिल जाएगा। हेलो मेरे भाई, मेरा पिता महान है। यहोशू कहता है जय जयकार कर, और तेरी जय जयकार में वो शक्ति होनी चाहिए। जब आप अंगीकार करें कि यीशु भला है, उस अंगीकार में तेरी शक्ति होनी चाहिए, वाकई भला है। जब आप प्रार्थना में अंगीकार करें कि परमेश्वर ने मुझे पापों शापों से मुक्त किया है, आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर वो एहसास होना चाहिए, यस, परमेश्वर की पवित्रता मेरे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। हमें धन्यवाद यू ही नहीं देना है, हमें धन्यवाद यू ही नहीं देना कि परमेश्वर हमें तुझे, तूने हमें कुछ दिया है। धन्यवाद दीजिए,
कि उसने आपको स्वर्ग का अधिकारी बना दिया है और आपको महसूस करना है कि मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं, आपके धन्यवाद में, आपकी जय जयकार में। और फिर देखिए, जिस दिन आप अपनी जय जयकार करेंगे और महसूस करते हुए कि मैं युद्ध जीत चुका हूं, स्वर्ग का अधिकारी मैं हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, उसकी आत्मा मुझ में है, मैं नई सृष्टि में हूं, जिस दिन आप विश्वास के संग, जीत के संग इस जय जयकार को करेंगे, धन्यवाद करेंगे, जीत आपकी है, आपके साथ होगा आशीष, आप महसूस करेंगे। आप क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर संदेह है, आपके अंदर संदेह है, ये काम मेरे जीवन में होगा या नहीं होगा, मेरा धंधा चलेगा या नहीं चलेगा, मेरी बीमारी निकलेगी नहीं निकलेगी, आपके अंदर संदेह है, हैं? वो परमेश्वर जो अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए बलिदान कर सकता है, क्या वो आपको ये नहीं दे सकता? क्या वो आपकी चट्टानों को उतार नहीं सकता? क्या वो यरियो की दीवार निकाल नहीं सकता? अंगीकार करिए कि प्रभु मेरे साथ है, विश्वास करिए। जब आप किसी से कहें तो आप कौन है आप? मैं यीशु मसीह का भक्त हूं। आपके विश्वास में अंगीकार होना चाहिए कि मैं यीशु का भक्त हूं, मैं यीशु का बच्चा हूं। परमेश्वर जो आपका पिता है, उसका अभिषेक उसी समय आपके अंदर काम करेगा। मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मेरी बहन, हो सकता आपका पिता कमजोर हो, उसका आप हमें तो हो सकता आपका पिता कमजोर हो, लेकिन वो पिता जिसको आपने चुना है, जिसको आपने अपना पिता माना है, वो कमजोर नहीं है, वो कमजोर नहीं है, वो सर्वज्ञानी है, वो मांगने से पहले देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास, इसलिए यहोशू कहता है, मैं सच कह रहा हूं, जब मैं ये पढ़ रहा था, मेरे पूरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ रही थी। आहा, क्या कहता है? जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे ही उन्होंने जय जयकार की, जैसे उस 25 लाख लोगों ने जय जयकार की, एक मन, एक दृष्टिकोण, एक प्रेम के साथ, जैसे उन्होंने जय जयकार की, आप पढ़िएगा 6, 7, 8 यहोशू में, दीवार गिर गई। प्रेज़ द लॉर्ड। दुश्मन आमने सामने हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जंग जीत गए, लेकिन उसके बाद उसने एक और चेतावनी दी। 18 पढ़िए, प्रेज़ द लॉर्ड, 18 पढ़िए। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो। हाँ, आप देखिए चेतावनी, तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। हेलो, हम जब संसार से प्रभु के चरणों में आ जाते हैं ना, फिर हमें संसार में बहुत कुछ दिखता है। यरियो उन्होंने जीत लिया था, यरियो की दीवार निकल गई, लेकिन परमेश्वर ने चेतावनी दी कि वहां पर कुछ भी ऐसी चीज जो तुम्हें दिखेगी, वो तुम्हें उठानी नहीं है, वो तुम्हें लेनी नहीं है, वो तुम्हें अपनी नहीं बनानी है। हेलो, यही तो है। हम क्या समझते हैं? हम चाहते हैं प्रभु में भी रहें और संसार में भी रहें। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए वो कहता है, 18 क्या कहता है? और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग करो, सावधानी से, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर। सावधानी से अपने मन को एकाग्र करो, मजबूत करो,
सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा मन कहेगा उठाओ। सावधानी से अलग हो जाओ, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डालो। हम सब कुछ पा लेने के बाद, हम उद्धार पा लेने के बाद, बपतिस्मा पा लेने के बाद, यीशु का ज्ञान पा लेने के बाद, जब संसार की अर्पण की चीज, अपने अर्पण की चीज जो परमेश्वर ने कहा ये मेरी है, जब हम उसको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, जब हम उसको अपना बना लेते हैं, तो हमारा जीवन भ्रष्ट हो जाता है। नहीं, लिखा हुआ है कि वो इजरायली छावनी को भ्रष्ट करेगा। और हुआ, अकान नाम का एक आदमी जिसने कुछ सोना निकाल लिया, उसे सोचा कोई नहीं देख रहा है, हम जा रहे हैं, लोगों के घर में सोना है, राजा के महल में सोना है, चांदी है, उसे चांदी की ईंट ले ली, सोना ले लिया और अपने घर में तंबू में आकर नीचे गाड़ दिया और परमेश्वर ने उनको दंड दिया। Praise the Lord। हम ये कैसे भूल जाते हैं कि वो पिता, अब आप सोचिए यरियो में 25 लाख लोगों ने कुछ किया, 25 लाख लोगों ने कुछ किया, इतनी चौड़ी इतनी लंबी दीवार को ढाने वाला कौन था? परमेश्वर। कुछ नहीं किया। आपके जीवन में कब आशीषी आएंगी? आपका जीवन कब आशीषित होगा? जब आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर सिर्फ चलेंगे, बस आपको चलना है। इजरायलियों ने क्या किया? जैसा परमेश्वर ने बताया उन्होंने परिक्रमा की। हेलो, पवित्रता का आधार बनाकर पवित्रता रखते हुए उन्होंने परिक्रमा की। आगे का संदूक सामने था, आज्ञाएं सामने थी और तुरही बज रही थी। क्या किया मुझे बताइए? एक देश, एक शहर परमेश्वर ने आपको दे दिया। हो सकता है आपके जीवन में कई सपने हो सकता है परमेश्वर आपके हर सपने को पूरा कर सकता है, लेकिन वो कहता है जो मैं कहता हूं उसके अनुसार चल। यहोशू को उसने बोला जी जैसे मैंने बताया है वैसे कर। देखिए 12वां वचन क्या कहता है, इसका अगर तुम 12वां देखोगी, देखो 11वां और 12वां में एक साथ पढ़ता हूं, छठे का। इस प्रकार उसने यहोवा के संदूक को लेकर नगर की परिक्रमा करवाई और उसके बाद उन्होंने पड़ाव में लौटकर रात बिताई। 12वां, फिर यहोशू भोर को उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। क्यों जीते? भोर को उठकर, उनका कोई और दूसरा काम नहीं था। हम बहाने करते हैं, भोर को उठते ही संदूक उठाया, हम मिशन पे निकल रहे हैं, मुझे जीतना है, मैं जीत चुका हूं। हेलो, हम 2 दिन प्रार्थना करते हैं और 3रे दिन प्रार्थना नहीं करते। नहीं पूरा होगा आपका विजन। आज कभी कमर में दर्द है, आज कभी ये है, कभी वो चीज है, नहीं। कुछ भी हो, रात को बिना प्रार्थना के नहीं सोना है, 11 बजे 12 बजे 1 बजे परिवार की प्रार्थना बहुत जरूरी है, वो भी एक मन एक दृष्टिकोण के साथ। यीशु भला है, उसकी भलाई सदा की है। रात को हाथ पकड़ के बच्चों को बिठाइए, उनको बताइए। प्रेज द लॉर्ड। एक मन एक दृष्टिकोण के संग प्रार्थना करनी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन मेरे जीवन में जीवित रहे, इसलिए उनको मनन करना है। हालेलुया। और कोई बात अपने मुंह में मत आने दीजिए। अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, वचन के बारे में बताइए। मैं आपको कह रहा हूं आप अपने जीवन में आशीष पाएंगे, आप देखेंगे आपका जीवन बदल गया है, आपके बच्चों का जीवन बदल गया है, आपके घर का एटमॉस्फेयर बदल गया है।
ये आपके ऊपर है। Praise the Lord। जिस तरह यहोशू ने यरीहो को परमेश्वर के आशीर्वाद से जीता था, इस जीवन को हमें जीतना है। ये जीवन जो हमें सौगात में मिला है, ये जीवन जो हमें आशीष देकर परमेश्वर ने दिया है, हमें उद्धार दिया है, हमें मुक्ति दी है, हमें सामर्थ्य दिया है, हमें इस जीवन को सावधानी से बिताना है ताकि कहीं हम पीछे ना चले जाएं, ताकि हम दंड के भागीदार ना हो जाएं। Praise the Lord। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, ये जीवन जो हमें मिला है बहुत 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 बहुमूल्य है, हम इसको यूं ही ना गंवाएं। Praise the Lord। आज का वचन आपको समझ में आया, अच्छा लगा, कुछ सीखा? वो सीखना आपके जीवन में आना चाहिए, दिखना चाहिए। Praise the Lord। हम सब आशीषित हुए। हालेलुया। जोर से जय जयकार करिए, जैसे कि हमने यीशु को पा लिया है। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।